Khan's counter move. When the Khan learned that Shivaji had moved to Pratapgarh, he became very angry. तो जब अफजल खान को ये पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ पे राजगढ़ छोड़ के प्रतापगढ़ में आए थे, तो उसे काफी गुस्सा आया. He was aware of the difficulties in conquering Pratapgarh. तो यहाँ पे उसे अभी क्या करना पड़ने वाला था कि उसे प्रतापगढ़ को पहले जीतना होगा. It was surrounded by thick forest and high hills. तो उसे ये पता था कि यहाँ पे चारों तरफ क्या है, thick forest है और high hills है. There was no proper approach road to the fort and it was very difficult to move his artillery. तो अफजल खान को ये पता था कि अभी शिवाजी महाराज कहाँ पे है, प्रतापगढ़ पे है और प्रतापगढ़ के सारी जगह सारी बाजुओं से क्या है, थिक फॉरेस्ट है, काफी घना जंगल है और यहाँ पे डायरेक्टली सीधा साधा कोई भी रोड नहीं है कि सीधा हम किले पे जा सकते हैं. बिसाइड्स द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. और ये जंगल भी जो था ये पूरी तरीके से जानवरों से, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों से भरा हुआ था. द खान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स. तो यहाँ पे उन्हें ये पता था कि प्रतापगढ़ को जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो किसी तरीके से कुछ ऐसा करेंगे कि शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ छोड़ के नीचे जमीन पे आना ही होगा. ही अटैक द होली सिटीज ऑफ पंडरपुर एंड तुलजापुर. तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो शिवाजी महाराज की सिटीज थी पंडरपुर तुलजापुर, इन पे अटैक कर दिया. ही हैरेस्ड द पीपल, यहाँ पे लोगों को परेशान करना शुरुआत कर दिया. ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक्स वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स. तो यहाँ पे ये सब ट्रिक इसने अफजल खान ने इसलिए अपनाई कि लोगों को अगर परेशान करेंगे तो अपने आप शिवाजी महाराज किले से उतर कर नीचे आ जाएंगे. बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम. लेकिन शिवाजी महाराज भी काफी चालाक थे, होशियार थे. ही रिफ्यूज टू लीव प्रतापगढ़, लेकिन उन्होंने प्रतापगढ़ नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि अफजल खान ने ये क्या है, चाल की है. देन द खान चेंज हिज टैक्टिक. अभी उसे पता चल गया था खान को कि शिवाजी महाराज तो नीचे नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने जो ट्रिक थी इसको चेंज कर दिया. इन अ स्पिरिट ऑफ अपेरेंट फ्रेंडलीनेस ही सेंड अ मैसेज टू शिवाजी. तो यहाँ पे उसे समझ में आ चुका था कि इस तरीके से तो शिवाजी महाराज नीचे नहीं आ रहे, तो फ्रेंडलीनेस एक मैसेज उसने, दोस्ती भरा मैसेज जिसे बोलते हैं, भेज दिया शिवाजी महाराज के पास. यू आर लाइक अ सन टू मी, कम एंड सी मी, रिटर्न अवर फोर्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक्स यूर सरदार एट हिज कोर्ट. तो यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज भेजा अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कि आप तो मेरे बेटे जैसे हो, आप आ जाओ और मुझे देखो. आपने जो भी हमारे फोर्ट लिए है, किले को कब्जा किया है, ये हमें वापस कर दो और मैं आदिल शाह को कहूँगा कि वो आपको उनके दरबार का एक सरदार बना लेंगे. तो इस तरीके का जो मैसेज था अफजल खान ने किसको भेज दिया, शिवाजी महाराज को भेज दिया. टिक फॉर टैट. शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर. शिवाजी महाराज ने क्या किया, खान की जो ऑफर थी उसको देख लिया. ही वॉज टेकिंग नो चांसेस. ही डिसाइडेड सम हाउ टू परस्यू द खान टू कम अप टू द फोर्ट. यहाँ पे उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता था कि अफजल खान की ये क्या है, चाल है, तो हमें किसी भी तरीके से प्रतापगढ़ छोड़ के नीचे तो नहीं जाना है, तो कुछ ऐसा करना है कि अफजल खान को हम क्या करेंगे, किले के ऊपर बुलाएंगे. इन रिप्लाई टू द खान्स मैसेज ही सेड. तो उन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पे अफजल खान को फिर से मैसेज भेजा. कौन सा मैसेज, खान साहेब आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर योर फोर्ट. तो मैंने आपके जो भी किले को हासिल किया है, कैप्चर किया है, इसके लिए मैं गिल्टी मतलब अपराधी हूँ. आई मस्ट हैव योर प्रोमिस ऑफ पार्डन फॉर दिस. प्लीज कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ प्रतापगढ़. तो यहाँ पे उन्होंने क्या मैसेज भेजा कि खान साहब, मैंने आप लोगों के जो फोर्ट को कब्जा किया है, जो किले पे कब्जा किया है, इसके लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए. प्लीज कम एंड मीट मी. आप क्या कीजिए, प्रतापगढ़ पे आ जाइए और आप मुझे मिलिए. आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू द प्लेन्स टू मीट यू. मैं बहुत घबरा रहा हूँ कि मैं नीचे आऊँ और आपको मिलूँ, इससे अच्छा है कि आप ही किले के ऊपर आ जाइए. इस तरीके का मैसेज शिवाजी महाराज ने किसको भेजा, अफजल खान को भेज दिया. दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज अफजल खान. तो इस तरीके का मैसेज अफजल खान को भेज दिया. पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल एंड सेड. तो ये मैसेज सुन के अफजल खान बहुत खुश हो गया. बियर्ड मतलब क्या, दाढ़ी. अपनी दाढ़ी पे से हाथ ऐसे उंगलियां घुमाने लगा और हंसने लगा और हंस के फिर बोलने लगा. दिस इज गुड न्यूज. ये तो काफी अच्छी न्यूज है. वॉट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान. ये शिवाजी महाराज क्या कर लेगा अफजल खान का. He was no guts to fight me. इसमें हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे मुकाबला कर सके.
I shall myself go to Pratapgarh and put an end to his life when we meet. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं खुद जाऊंगा प्रतापगढ़ के ऊपर और यहाँ पे शिवाजी महाराज को मिलूंगा और उसकी लाइफ को क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा. सो ही एग्री टू शिवाजी प्रपोजल. तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो प्रपोजल था कि प्रतापगढ़ के ऊपर आके मिलना है, इसके लिए ये रेडी हो गया. तो इसे